Hey guys, hi. Today we are going to make shahi tukda, which will have no sugar syrup and no deep frying of bread. Also, we are going to make instant rabdi. So let's get started. मैंने यहाँ पे 500 ml मिल्क लिया है कुकिंग पॉट में और उसमें मैं 2 tablespoon शुगर डाल रही हूँ. ऑल्सो द स्वीटनेस डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. तो हमें इसे बॉइल को लाना है एक बारी. थोड़ा सा मिल्क मैं साइड में ले रही हूँ एक कटोरी में. उसमें मैं डालूँगी सैफरन एंड आई विल कीप इट असाइड फॉर 5 minutes. All the malai aside and again we'll keep it to boil. Take a handful of badam. तो हमको थोड़ा सा बादाम, काजू, सौंफ और इलायची मिक्सर में ग्राइंड करके लेना है और एक फाइन पाउडर बनाना है उसका. ये हमारा पाउडर तैयार है. दिस विल गो इन आवर. तो हमारा पूरा मसाला दूध में जा चुका है और उसमें अब मैं केसर का दूध डाल रही हूँ और इसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है और क्रीम हमेशा हमको साइड में निकालना है. अब एक छोटे से पैन में मैं घी डाल रही हूँ और उसमें मैं ऐड करूँगी कैशू नट्स और आपको जो ड्राई फ्रूट्स चाहिए वो आप इसमें डाल सकते हो. मेरे पास अभी सिर्फ कैशू नट्स है इसीलिए मैं उतना ही डाल रही हूँ. तो अब मैं ये रोस्टेड कैशू नट्स मैं दूध में डालूँगी और थोड़ा सा मिल्क बॉईल करूँगी और इसमें हम ऐड करेंगे पनीर. तो थोड़ा सा ग्रेटेड पनीर हमको डालना है अराउंड 2 tablespoon. ये रबड़ी को थिक बना देगा और हमारा इंस्टेंट रबड़ी तैयार हो जाएगा. पनीर डालने के बाद हम लोग को इसको ज़्यादा पकाना नहीं है. जस्ट लाइक फॉर 5 minutes. एंड आवर इंस्टेंट रबड़ी इज रेडी. रबड़ी जैसे लग रहा है. इसे हम थोड़ा कूल डाउन करेंगे तो ये और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा. अभी हम ब्रेड को तलेंगे नहीं तो वी विल रोस्ट द ब्रेड. तो एक पैन में घी लेना है और उस पर हम ब्रेड के ऐसे 4 slices करेंगे और अच्छे से उसको रोस्ट करेंगे. तो मैंने ये रेसिपी इसीलिए ट्राई किया है बिकॉज दिस इज क्विक विदाउट शुगर सिरप विदाउट डीप फ्राइंग ऑफ ब्रेड एंड हमारी रबड़ी भी इंस्टेंटली बन जाती है. होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. डू ट्राई एंड डोंट फर्गेट टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन.